क्या फायदा है, पानी भी नसीब नहीं हो रहा। जल घर में एक राजा के पुत्र हैं। ये बोले बेटा काहे रो रहे हो, कौन हो तुम? बोले महाराज हम राजा हरिश्चंद्र के पुत्र हैं। बोले काहे रो रहे हो, राजा के पुत्र हो? बोले बात ऐसी है, सारी बात बताई कि हमारे पिताजी ने एक शर्त रखी थी और हम जान बचाने के लिए हम यहाँ पर घूम रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए ब्राह्मण देव, क्या आपके घर में पुत्र हैं? बोले हाँ। बोले कितने? बोले तीन। तीन है? ऐसा करो हम तुम्हें मुंह मांगा धन दे देंगे, आप हमें एक पुत्र अपना दे दीजिए। ये बात रोहितास को मंजूर हो गई और अजीगर ब्राह्मण ने अपना एक पुत्र दे दिया। क्या होता है, अजीगर ब्राह्मण जो थे उन्होंने एक पुत्र दे दिया, रोहितास लेके चले आए। लेकिन जो अजीगर ब्राह्मण थे वो विश्वामित्र जी के बहनों ही थे। विश्वामित्र जी को पता चला कि रोहितास जो है हमारे भांजे को यज्ञ में चढ़ाने के लिए ले जा रहा है, तो यज्ञ की तैयारियां की गई। वहां पर विश्वामित्र जी आ गए और उन्होंने वरुण देव की प्रार्थना करके उस पुत्र को छुड़ा लिया और यज्ञ ऐसे ही करवा दिया गया। महाराज हरिश्चंद्र जो है वरुण से झूठ बोले और उनसे युद्ध किया, इसलिए उन्हें महोदर नाम का रोग हो जाता है। और जब उन्होंने यज्ञ किया तो उनका जो है महोदर नाम का जो रोग था वो सही हो गया। उस यज्ञ से उनकी ऐसी आदत बन गई कि वो दान करने लगे, दान की आदत बन गई। धीरे धीरे इतना दान किया, इतना दान किया कि जी एक बार इंद्र की सभा में बैठे हुए थे, अकस्मात विश्वामित्र जी भी पहुंच गए। इंद्र ने कहा पृथ्वी लोक का हाल सुनाइए जी, क्या हाल है? कृष्ण जी बोले आजकल हमारा जो शिष्य हरिश्चंद्र बहुत बड़ा सत्यवादी हो गया है, उसके बराबर कोई दान नहीं करता। ये बात जब कही तो विश्वामित्र जी चले गए। बोले वही हरिश्चंद्र जिसने वरुणदेव का यज्ञ नहीं किया था? ना ना ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि महाराज विश्वामित्र बोले सत्य होता है, पति होता है।
शिष्य की अभी तक जांच नहीं की, आप मनगढ़ंत बात कह रहे हैं कि हमारा शिष्य जो है सत्यवादी है। अंत में बात कही वशिष्ठ जी ने, अरे सत्यवादी है या नहीं है वो जाने, हम दोनों आपस में काय पड़ रहे हैं, चलो ऐसा करते हैं परीक्षा ले लेते हैं लड़ने से क्या होगा। बोले ठीक है। अब महाराज हरिश्चंद का बाद था, वहां पर एक सुअर का रूप धर करके पहुंच गए। कौन? विश्वामित्र जी। और जब वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, अरे ठीक हो बोले, क्यों आज माली शाम के वक्त में कैसी जय हो कर रहे हो, क्या बात है? बोले महाराज अब हम तुम्हारे बाग में नहीं रहेंगे। बोले काहे, क्या हो गया? बोले महाराज आज चार दिन हो गए, एक सूकर आता है पता नहीं कितने टाइम आता है और सारे बाग गुजार दिया। बोले तो? बोले आज हमने उसको ढूंढा मतलब उसको भगाना चाहा तो उसने हमारी जो है जान खा ली। बोले क्या होना चाहिए? बोले महाराज शुक्र का इंतजाम करो नहीं तो फिर हम जा रहे हैं, अब हम नहीं नौकरी करेंगे। हरिश्चंद्र ने कहा देखिए शाम के वक्त में किसी को भी सताया नहीं जाता। अरे है संध्या को अरे दुख मत आ रही है भैया, जा देखो